लास्ट वीडियो के अंदर मैंने हॉट सिजलिंग फूड वाला फिनोमिना डिफ्यूजन से आपका एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो के अंदर हम आपका बाकी के दो फिनोमिना लेंगे जो हम डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला जो फिनोमिना है वो आपका है, जो पहला फिनोमिना है वो आपका है, अगर हम अपने कपड़ों के ऊपर परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो हमसे बहुत ही अगर दूर खड़ा हुआ कोई भी पर्सन है उसको हमारे परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, तो क्यों आ जाती है आपकी? पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, ठीक है। पहले क्वेश्चन को करते हैं फिर हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम आपका इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो अगर आप देखो बेटा, अगर हम सपोज करो एक कंटेनर के अंदर वाटर लेते हैं, वाटर आपका कौन सी स्टेट में होता है? फिजिकल स्टेट में कौन सी होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड स्टेट में होता है वाटर आपका, तो वाटर की फिजिकल स्टेट होती है आपकी लिक्विड स्टेट। अगर हम इस लिक्विड वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करें और इसे बहुत ज्यादा हीट करें तो धीरे धीरे ये लिक्विड वाटर किस में कन्वर्ट होता जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। क्यों स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है आपका ये लिक्विड वाटर? क्योंकि मैं इसको क्या सप्लाई कर रही हूँ? हीट एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं इस लिक्विड वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करूंगी तो ये लिक्विड वाटर बॉइल करने लग जाएगा और स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। स्टीम का मतलब क्या है आपका? स्टीम होती है गैसियस स्टेट में होती है आपकी, तो इसका मतलब लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसे हीट एनर्जी देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी लिक्विड स्टेट में है और अगर उसे हीट एनर्जी दी जाती है तो वो गैसियस स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आपका परफ्यूम वाली एप्लीकेशन समझेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। अब हमने अपने कपड़ों के ऊपर परफ्यूम अप्लाई किया तो परफ्यूम जो था आपका वो कौन सी स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था, है ना। और आप देखते हो कि जब आप परफ्यूम अपने कपड़ों के ऊपर अप्लाई करते हो या स्प्रे करते हो तो गीला गीला लगता है ना आपको, कपड़े थोड़े से गीले से हो जाते हैं ना, पर वो 2 सेकंड के लिए होता है ना। तो परफ्यूम उस टाइम पर जब आपने स्प्रे किया, अप्लाई किया अपने कपड़ों पर, उस टाइम पर परफ्यूम लिक्विड स्टेट में था। अब थोड़े सेकंड में आपका वो वैनिश हो जाता है लिक्विड। वो लिक्विड वैनिश क्यों हो जाता है आपका? क्योंकि वो लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में और गैस बनते ही वो आपका उड़ जाता है आपका, है ना। तो क्योंकि परफ्यूम का लिक्विड आपका जब आप अप्लाई करते हो अपने कपड़ों के ऊपर, स्प्रे करते हो, तो वो फटाफट से आपका गैशियस पार्टिकल के अंदर, आपका गैशियस स्टेट में परफ्यूम आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है लिक्विड से गैशियस ये कैसे कन्वर्ट हो गया? हमें तो पता है लिक्विड से गैशियस तो तभी जा सकते हैं, लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में हम तभी जा सकते हैं जब हम लिक्विड को हीट करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिक्विड वाटर को जब हम हीट करते हैं तभी वो आपका गैशियस स्टेट में जाता है। जस्ट लाइक दैट, हमने तो परफ्यूम के लिक्विड को कोई हीट नहीं किया तो फिर वो आपका गैशियस स्टेट में कैसे चला गया? तो उसकी वजह ये है कि जो लिक्विड वाटर होता है उसको गैशियस स्टेट में जाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जो परफ्यूम का लिक्विड होता है उसको गैशियस स्टेट में जाने के लिए बहुत ही थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है। तो जो थोड़ी सी हीट की इस लिक्विड परफ्यूम को जो थोड़ी सी हीट की जरूरत होती है गैशियस स्टेट में जाने के लिए, वो हीट आपका ये लिक्विड परफ्यूम का जो लिक्विड है अपने आसपास के सराउंडिंग से यानी कि एनवायरमेंट से आपका ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम परफ्यूम के लिक्विड को हम वॉलेटाइल लिक्विड भी बोलते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? ऐसा लिक्विड जिसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में हीट एनर्जी की जरूरत होती है।
तो क्योंकि परफ्यूम के लिक्विड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में हीट की जरूरत होती है और ये हीट उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिल जाती है, तो फटाफट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फटाफट से आपका ये लिक्विड, जैसे ही आप अप्लाई करते हो परफ्यूम वाले लिक्विड को अपने कपड़ों के ऊपर, फटाफट से आपका आसपास से हीट को ले करके एब्जॉर्ब करके फटाफट से गैशियस स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही परफ्यूम गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ये आपका एयर के साथ क्या कर जाएगा, मिक्स कर जाएगा। कौन सी प्रोसेस के साथ? डिफ्यूजन की प्रोसेस के साथ। तो यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से परफ्यूम के गैशियस पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या होंगे, मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। और अगर ये पर्सन इतनी दूर आपका खड़ा हुआ है एक पर्सन, तो जब ये एयर जिसके अंदर परफ्यूम के गैशियस पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं मिक्सिंग की वजह से, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से, आपके जब इस एयर के अंदर ये गैशियस पार्टिकल्स परफ्यूम के प्रेजेंट हैं, तो जब ये एयर आपकी इस पर्सन के पास पहुंचेगी और इसकी नोज के अंदर एंटर करेगी, तो एयर के साथ साथ परफ्यूम के गैशियस पार्टिकल्स भी इसके नोज में एंटर करेंगे और इस पर्सन को परफ्यूम की क्या आएगी, स्मेल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगर एक पर्सन परफ्यूम अप्लाई करता है अपने कपड़ों के ऊपर, तो जो दूर खड़े लोग होते हैं उनको भी उस परफ्यूम की स्मेल आ पाती है, कौन सी प्रोसेस की वजह से, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से, ठीक है। अब आपका सेकेंड जो फिनोमिना है जो हम डिफ्यूजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है आपका अगरबत्ती का फिनोमिना। अगरबत्ती का फिनोमिना हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखते हैं। अगरबत्ती को हम बोलते हैं इनसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती, तो इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती के फिनोमिना को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या फिनोमिना है, आपने अपने कमरे के एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती ली और आपने इसको जला दिया। जब आप इसको बर्न करोगे तो अगरबत्ती से धुआं निकलेगा और इस धुएं से, धुएं में क्या, इस धुएं में क्या होगी, आपकी अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा है अगरबत्ती को जलाने की वजह से, बर्न करने की वजह से, तो इस धुएं के अंदर अगरबत्ती के क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स होंगे। और ये अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ आपके क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। और ये एयर आपकी पूरे कमरे में क्या होगी, फैल जाएगी आपकी। तो जिस कमरे में आपने अगरबत्ती जलाई है, धीरे धीरे उसका धुआं बढ़ता जाएगा और वो धुएं का जो गैस है आपका, जिसके अंदर जो आपकी बेसिकली अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स हैं, वो आपके एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूजन के थ्रू आपके मिक्स हो जाएंगे और ये आपके जो है फिर उसके बाद पूरे कमरे के अंदर क्या होंगे, फैल जाएंगे, जिसकी वजह से आपके आपको कमरे के अंदर आपको अगरबत्ती की स्मेल आएगी, क्योंकि ये एयर आपकी पूरे कमरे के अंदर आपकी फैल जाएगी, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर किसी कमरे के अंदर अगरबत्ती जल रही होती है और आप एंटर करते हो तो आपको एकदम से अगरबत्ती की स्मेल आती है, क्योंकि अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स पूरे कमरे के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू आपके एयर के साथ क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो जब इस एयर को आपका एक पर्सन आपका कमरे में एंटर करता है, ये पर्सन आपका, तो जब इसकी नोज के अंदर एयर जाती है कमरे की, तो इस एयर के अंदर आपकी अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जब वो एयर जाएगी तो अगरबत्ती के गैस के पार्टिकल्स भी इसकी नोज के अंदर इस पर्सन के एंटर करेंगे और अगरबत्ती की स्मेल इस पर्सन को आपकी आएगी, ठीक है। तो यही वजह है आपका कि अगरबत्ती जब जलाई जाती है किसी भी कॉर्नर के अंदर रूम के, तो वो थोड़ी देर में सारी उसकी जो स्मेल होती है पूरे कमरे में आ जाती है आपकी, और जब कोई पर्सन एंटर करता है
तो वो उसको आपका स्मेल कर सकता है अगरबत्ती को। तो विद दिस आपके ये दोनों फिनोमिना आपके डिफ्यूजन के जो रहते थे आपके अदर देन हॉट सिजलिंग फूड वाले वो आपके ओवर हो गए हैं।